नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास, कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। 370 दफा तोड़ना कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। आज हम सब लोगों की यही उम्मीद है कि हमारा जम्मू का कोई डोगरा सीएम आए। सीएम हिंदू सीएम हो तो ये जम्मू के लोगों के लिए और डोगरा समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी, डोगरा पगड़ी की बहुत बड़ी बात। कि सड़कें लंबी हुई, चौड़ी हुई सड़कें हुई, देखा तो सब कुछ हुआ है। कि कोई अलायंस की सरकार ना हो, किसी के साथ कोई गठबंधन ना हो, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आए। हमारा सीएम जम्मू का हो, डोगरा सीएम हो, ताकि हमारी विकास की गति और बढ़े। और हमारी यही लड़ाई है कि हमारा जो सीएम है अभी डोगरा आए, जम्मू से आए। पिछले सीएम जितने भी आए हैं वो कश्मीर से आए हैं, अभी हम यही चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू। अब हम पहुंच चुके हैं जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि ये जिला कठुआ की नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो जम्मू कश्मीर के हितों को लेकर चलेगी और जम्मू कश्मीर में विकास की एक और लहर को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से जानने की आज कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोगों की भी राय लेंगे कि कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का सीएम होना चाहिए और 370 के हटने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। हमारे साथ तमाम जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग मौजूद हैं, जिसमें अगर बात करें तो साधु संत समाज भी यहाँ पर मौजूद हैं। श्रीमंत मोहन गिरी जी हैं, इनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे, जो कि जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से ये ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत भी हम इन्हीं से करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम आपके जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुँचे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 10 साल के बाद ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस चुनाव से, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प चुनाव है। लेकिन जानना चाहता हूं कि जिसकी सरकार भी बनती है, सीएम कैसा होना चाहिए, कहां का होना चाहिए? भारत माता की जय, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। आपके चैनल गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आए। और आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के हमारे समाज को ये जो 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर कहें तो कई लोग हमें ऐसे बरगला रहे हैं कि 10 साल में हुआ कुछ नहीं, लेकिन आपके माध्यम से कहूँगा और लोग भी सब जानते हैं कि इन 10 साल में अगर कोई सरकार इधर नहीं भी थी, फिर भी हमारी जम्मू कश्मीर में बहुत उन्नति हुई है। 370 दफ़ा तोड़ना कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। जब इस 370 दफ़ा को तोड़ने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम उठाए थे, तो यहाँ की मौजूदा कई सरकारों ने ऐसे शब्द बोले थे कि 370 टूटेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक परिंदा भी नहीं मरा। और हमारी जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले कई दशकों से झेला है कि हम किस प्रकार की सरकार के नीचे रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज के जो हमारे समाज की बात की जाए तो आज का समाज चाहता है कि इतनी देर हमने अन्य सीएम, मैं कहूँगा कि आज हम सब लोगों की यही उम्मीद है कि हमारा जम्मू का कोई डोगरा सीएम आए, ताकि हमारे जो डुगर और जो डोगरा, इसकी कोई सुनवाई हो सके, कोई हमारे डोगरों की भी कोई सुने, कोई हमारे डोगरों की भी उन्नति हो। बाकी रही बात नदी या नाला या सड़क या तालाब, वो बनते आए हैं, बनते रहेंगे। इतना बड़ा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, पूरे भारत में विकास हो रहा है,
हमारे भारतीय सत्र की छोड़िए विश्व सत्र पर हिंदुस्तान एक विकसित देशों के नाम पर आज तीसरे नंबर पर हमारा देश है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप भी भली भांति जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, जब कांग्रेस की सरकार थी तीसरे दिन बॉर्डर पर रोज फायरिंग होती थी पाकिस्तान की तरफ से। बॉर्डर के लोग आज कहीं दरबदर हो रहे थे, कहीं दरबदर होते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार ने जिम्मा संभाला है एक भी फायर उधर से नहीं हुआ। उन्हें पता है कि अगर एक भी करेंगे तो उधर से पता नहीं ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि हमें इस वक्त सब समुदायों को, अगर रोड बना है तो उस पर ये नहीं है कि खाली हिंदू ही चलता है, हर कोई उस पर चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और सबका विश्वास है तो सब एक साथ हो जाएं और सब एक साथ मिलकर विकास की इस यात्रा में अग्रसर हों। बिल्कुल महाराज जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद के बीच और देश विरोधी ताकतों के बीच है? ऐसा मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन महाराज जी ऐसा होता है कि इस चुनाव में ये एक विशेष बात देखी जा रही है कि कुछ ताकतें जो हमारे हिंदू तत्व के विरोध में बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विशेष समुदाय के कल्याण के लिए काम नहीं करती, सबका साथ मैंने पहले कहा, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली है। अगर रोड बनता है उस पर सब चलते हैं। अगर मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए हैं तो सबको शौचालय मिले हैं। अगर कोई पक्के मकान का आया है तो सबके पक्के मकान बने हैं, कोई उसमें जाति भेदभाव नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि 370 के तोड़ने के बाद यहाँ बदलाव हुआ है? बिल्कुल महाराज जी, बहुत बदलाव हुआ है। मैं वापिस आऊँगा, कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के, वैसे अब आपसे भी जानना चाहेंगे इस चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं। एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, कई नई चीज़ें इस चुनाव में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या आप चाहते हैं कि कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का सीएम होना चाहिए? देखें भाई साहब, हमारा सबसे पहले तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां आप खड़े हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पहली बार बनी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी हैं। जैसे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाया गया है, इस क्षेत्र को कठुआ से, बिलावर से, बसोली से, हीरानगर से काटकर अलग एक एमएलए देने की बात जो है, इससे पहले मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इन लोगों को ये एक गिफ्ट के रूप में दिया है। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस उपहार के बदले एक उपहार दें, एमएलए दें, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनना अभी, जैसे यहाँ नई तहसीलें, नए ब्लॉक, इस एरिया में सारा का सारा अभी नए सिरे से होगा। तो हम कोई ऐसी गलती ना करें कि जिससे हमें पछताना पड़े, क्योंकि सत्ता सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का डोगरा सीएम जो कि है बनने जा रहा है। और अगर हमारा एमएलए भारतीय जनता पार्टी का होता है तो एक कड़ी जुड़ती है और डबल इंजन की सरकार से जब हमारे जसरोटा का विकास होगा। और आप देखेंगे कि, क्योंकि मैंने जब कहा कि पहले जो पैसा था वो कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी, बसोली, बिलावर सब में बांट कर फिर हमें इस कंडी क्षेत्र को मिलता था, क्योंकि अब पूरा का पूरा पैसा जो है अलग से कंडी क्षेत्र को मिलेगा तो विकास की गंगा जो है वो जहां अलग से बहेगी। यानी आप चाहते हैं कि हिंदू सीएम या जम्मू का होना? बिल्कुल हम चाहते हैं। हमने पिछले 70 साल से, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन इसको एक 370 और 35 के रूप में एक कांटा जो चुभा दिया गया था उसको मोदी जी ने 2019 में निकाल कर बाहर फेंका है और राहत जम्मू कश्मीर को दी है। अब उससे बड़ी राहत जो अब हमें आगे चाहिए वो जम्मू से डोगरा सीएम, हिंदू सीएम हो तो ये जम्मू के लोगों के लिए और डोगरा समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी, डोगरा पगड़ी की बहुत बड़ी बात होगी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जो इनके मैनिफेस्टो में चीजें हैं कि वो धार्मिक स्थलों के नाम बदल देंगे, क्या मानसिकता दर्शाते हैं, इसको लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? इनकी मानसिकता 1990 में ही दिख गई थी, एनसी कांग्रेस की जब सरकारें थी तो आपने मंदिरों की बात की कि इनका नाम बदलने का काम ये करेंगे, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। लेकिन आप थोड़ा पीछे नजर मारिए कि जब ये मंदिर तोड़े गए थे 1990 में, तो तब भी इन सरकारों ने, तब भी इन पार्टियों ने मौन धारण कर रखा था, और उसको उत्थान के लिए तो ये क्या ही करेंगे, उसके उल्ट
1990 में भी जब हमारी सरकार नहीं थी, तब जब हम विरोध में थे, हमारी पार्टी बिल्कुल छोटी थी, हम दो एमपी के साथ जो है वो सेंटर में बैठे हुए थे, तब भी हमने उन चीज़ों का विरोध किया था और आज भी हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। चूँकि आज हम सत्ता में हैं तो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम इनका उत्थान करेंगे, इन मंदिरों को बनाएंगे और विकास के कार्य जो हैं सनातन के साथ जोड़ के भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं, एक तरफ विकास की बात की जा रही है और एक तरफ यहाँ पर धारा 370 को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। धारा 370 जो थी वो मुद्दा शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ है एनसी ने और कांग्रेस ने, तब से ही बना दिया था। लेकिन वो मुद्दा तो खत्म हो गया लगता है। वो मुद्दा हमने ख़त्म किया है, हमारे लोगों ने, डोगरा समाज ने इसको मोदी जी के साथ मिलकर, उसका परिणाम स्वरूप देख लीजिए कि 2019 5 अगस्त को जब 370 टूटती है और 2024 में, क्योंकि अभी आप पूरे देश में देखेंगे तो हमारी सीटें कम हुई हैं, लेकिन जम्मू के लोगों ने 3 की 3 सीटें जो है झोली में दी थी मोदी जी के, वो एक रिजल्ट था, वो एक उत्साह था, वो हमारे डोगरा लोगों की एकता का जो था वो प्रूफ था कि हम लोगों ने 370 के विरोध में, 370 तोड़ने के साथ जो थे, हम मोदी जी के साथ हम खड़े थे, डोगरा समाज उसके साथ खड़ा था। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, वापस मैं आपके पास आऊँगा। यहाँ पर मेरे साथ संवाददाता रंजीव जी है, रंजीव जी आप भी महिलाओं से बात जी, आगे मैं वापस आ। धन्यवाद ऋषि जी आपका। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि विधानसभा चुनाव जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उसको लेकर ये जो हमारा चुनावी अखाड़ा जम्मू का कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ाते हुए अभी और जो लोग हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे कुछ महिला भी हैं जो इस इलाके की हैं, खासकर जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, तो उनसे भी जानते हैं। जी क्या बदलाव हुआ जो 10 सालों में आपने देखा? बहुत बदलाव हुआ है, आप देख ही रहे हो, बहुत ने सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया, हमको राशन दिया, सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया, बहुत बदलाव हुआ है। वृद्धों को पेंशन मिल रही है, वृद्धों को पेंशन मिली है, किसानों को पैसा मिल रहा है, सब कुछ दिया। तो क्या आने वाले चुनाव, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, इसके बाद सरकार बनने जाएगी, जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, उस सरकार में जो मुख्यमंत्री होगा किस तरह का होना चाहिए, क्या दिखते हैं? जो सीएम बनेगा वो कहाँ का होना चाहिए? जम्मू कश्मीर का। अच्छा, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे देखा कि महिलाएं जो हैं वो मोदी की जो योजनाएं थे, मोदी सरकार की जो पिछले 10 सालों में, उनसे काफ़ी प्रभावित हैं और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे सब कुछ बदलाव के रूप। जी क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी ये बताइए कि 10 साल बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कितना बदलाव आप यहाँ पे देख रही हैं? और अब चुनाव का समय है, इसके बाद यहाँ पे एक नई सरकार का गठन होगा, काफ़ी इंतज़ार था लोगों को कि यहाँ की सरकार हो, लोगों के काम जो है वो तेज़ी से हो, तो किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं? बदलाव चेंज तो देखा हमने। किस तरह का चेंज आपने? चेंज देखा कि सड़कें लंबी हुई, चौड़ी हुई, सड़कें हुई, देखा पता सब कुछ हुआ। जो सीएम होना चाहिए वो हमारा ही होना चाहिए, डोगरा ही होना चाहिए। कहाँ का? जम्मू का हो। अच्छा, जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। ये भी एक बदलाव। हाँ, चेंज होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हमें चाहिए, क्योंकि बदलाव यहाँ की सबसे बड़ी मुख्य जो लोगों ने देखा है कि 2014 के बाद लगातार यहाँ पे बदलाव हुआ है। और भी लोग हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे, जिनका जी क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, गुलिस्तान न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोग यहाँ पे आए टाइम निकाल के। मैं अपना परिचय देते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अजय वर्मा है और मैं एक सर्विस मैन हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, अभी यहाँ पे अपना छोटा मोटा काम चला रहा हूँ। तो पिछले सालों की बात करें, पिछले मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो पिछली सरकारों को देखते हुए या मैं अपने पिछले करियर को देखते हुए, अभी जो J&K में 370 के टूटने के बाद जितने भी बदलाव आए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। चाहे हम अपनी स्टेटहुड को देखें, चाहे हम डिफेंस को देखें, बॉर्डर एरिया को देखें, क्योंकि मैंने कश्मीर को पूरे को देखा है। मैंने मेरी सर्विस के दौरान, 20 साल की सर्विस के दौरान 10 साल मेरे आर्मी के जो हैं वो श्रीनगर के हैं। वहाँ पे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, वहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि हमारे मंदिरों का नाम बदली कर दिया जाए, तो हम ऐसे नहीं होने देंगे। हम अपनी सनातन की जो पद्धति है उसको जारी रखेंगे और हमारी यही लड़ाई है कि हमारा जो CM है अभी डोगरा आए, जम्मू से आए। पिछले CM जितने भी आए हैं वो कश्मीर से आए हैं। अभी हम यही चाहते हैं कि कोई अलायंस की सरकार ना हो, किसी के साथ कोई गठबंधन ना हो, BJP की पूर्ण बहुमत से सरकार आए।
तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू और डोगरा सीएम इनको आने वाले चुनावों के बाद जो सरकार बनेगी वो चाहिए। तो मैं एक बार फिर माइक जो है अपने साथी को दे, यहाँ पर तमाम युवा भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या बदलाव आपने देखा है जम्मू कश्मीर में, और उसी के साथ साथ आप भी क्या चाहते हैं कि कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का सीएम होना चाहिए? पहले तो सभी को सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद। देखिए जी, बात की है आपने कि बदलाव की, 370 टूटी है तो बदलाव तो आपके सामने ही है। जैसे 370 टूटी, पत्थरबाज मिल नहीं रहे, वो तकरीबन जेलों में बंद है, तो कहने का भाव ये आता है कि 370 टूटने के बाद विकास की गति बढ़ी है, विकास दिन ब दिन बढ़ा है, पंचायतें सशक्त हुई हैं, DDC VDC। कहने का मतलब है कि विकास तो एक तरफ से बढ़ी रहा है, चल ही रहा है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अभी पहले देश विरोधी ताकतें थी, उनकी मंशा थी, जैसे अभी आपने पढ़ी लिया जो उनका मैनिफेस्टो आया हुआ है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भी मंदिरों के नाम चेंज करेंगे। तो बात ये आती है अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो अभी चुनाव हो रहे हैं, इसमें विशेष बात उसमें नहीं आती है चुनाव की, जो पहले होते थे चुनाव गलियों नालियों की सड़कें विकास की। इस टाइम जो चुनाव हो रहे हैं, मेन चुनाव हो रहे हैं विचारधाराओं के, उनके विचारधारा किसी हिसाब की है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किसी हिसाब की है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये राष्ट्रवादी और देश विरोधी के बीच चुनाव हो रहे हैं। तो और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ तमाम जनता को कि इस बार वोट डालिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए और हमारा सीएम, हमारा सीएम जम्मू का हो, डोगरा सीएम हो, ताकि हमारी विकास की गति और बढ़े। हमारा सीएम जम्मू का हो, डोगरा सीएम हो, ताकि हमारी विकास की गति और बढ़े। और आप आ गए हैं, क्या आप उम्मीदें रखते हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 10 साल के बाद ये मौका आपको वोट डालने का भी मिल रहा है, कैसी सरकार आप चाहते हैं? भाई साहब, बेशक 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास करती आ रही है, इसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारा CM जो हो भारतीय जनता पार्टी का हो और हमारा डोगरा हो, ताकि लोगों का विकास हो सके। घर घर में लोगों का विकास हुआ है, जैसे पेंशन, PMAY के मकान, लाडली बेटी, और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें मोदी सरकार ने विकास किया है। इसी को नज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर का CM है वो भारतीय जनता पार्टी का हो और हमारा डोगरा हो। डोगरा, ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर डोगरा CM को लेकर इस बार जो वो काफ़ी उम्मीदें जो वो लोग लगा रहे हैं कि जम्मू के हितों की बात की जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को ख़त्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, आज उसी भेदभाव को ख़त्म करने की ज़रूरत? बिल्कुल, पिछले 70 सालों से जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू जब हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, UT एक मात्र ऐसा UT है जहाँ पे AIIMS, IIT और IIM तीनों संस्थान जम्मू में केंद्रित हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जम्मू के लोगों को भी कि हमने हमेशा बात की है कि कश्मीरी ये ले गए और डोगरों को कम मिला। आज आप देख लीजिए कि 2 AIIMS बनना शुरू हुए थे, हमारा AIIMS में OPD शुरू हो गई है जम्मू में, विजयपुर में, और श्रीनगर के AIIMS की कोई बात नहीं हो रही अभी तक। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन आप विकास की गति भारतीय जनता पार्टी सरकार रहते, मोदी जी के रहते देख सकते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव जो है वो खत्म किया गया है। बिल्कुल, युवा होने के नाते क्या आप उम्मीद करते हैं कि युवाओं के बारे में भी सोचा जाए, क्या आपको लग रहा है कि जो बात हुई है युवाओं को लेकर वो उसे और आगे बढ़ाया जाए? सनातन धर्म की जय, जय श्री राम। कर लिए ना उसको? बिल्कुल, कुछ युवा जो है वो अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन क्या युवाओं को लेकर कहना चाहते? देखें, युवाओं के प्रति अगर कोई सरकार सजेद है, कोई सरकार सोचती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे युवा साथी आज के दिन में, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारी इस क्षेत्र में जसरोटा में जो अभी नया नया बना है, एक सेकंड, जो हमारे जसरोटा जो नया क्षेत्र बना है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, उसी के बीच में आप होम्योपैथी का 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा कॉलेज यहाँ पे है, वो जसरोटा में है।
इसमें इंडस्ट्रियल सेटअप जो है हुआ है, बायोटेक पार्क का जो सेटअप हुआ है वो सब जसरोटा में है। तो युवाओं की जब बात करते हैं तो जहां जो मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ की तादाद से इन्वेस्टमेंट हुई है और वहां पे युवा जो कि रोज़गार चाहते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, मैं फिर कहना चाहूँगा अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको रोज़गार जहाँ मिल सके। यानी बदलाव हुआ है बिल्कुल, ये जो जहाँ पे ज़मीनें सोने के भाव हो गई और इंडस्ट्री के आने के बाद हुई हैं 370 के टूटने के, सही कहा कि बदलाव जहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं महाराज जी एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री ने बयान दिया कि 370 को लेकर जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड है, तो ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये चीज़ दर्शाती ये है कि NC कांग्रेस को कहीं ना कहीं उधर से कोई छह है, ये सब मिलीजुली इनकी एक ही राय होती है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि महाराज जी अगर अब भी हिंदू नहीं जागा तो फिर जागने का दोबारा कोई समय नहीं मिलेगा। अब की बार एक बार अगर हम सशक्त अपनी सरकार को बना लेंगे तो फिर इनकी आने वाली नस्लें, आने वाला हमारा भविष्य सेफ है। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में कोई भी आज तक बदलाव नहीं हुए, विश्व सत्र पर तरक्की हुई है, हिंदुस्तान की आज एक विश्व पर एक ऐसी दृष्टि से, एक सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। पाकिस्तान आज कटोरा लेकर घूम रहा है, आज बलूचिस्तान हमारी ओर देख रहा है कि अगर हमारा CM भारतीय जनता पार्टी का आता है तो POK हमारे हाथ अब दूर नहीं है कि POK हमारे हाथ नहीं आएगा। आज हमारा अगर भारतीय जनता पार्टी का CM बनता है, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, पूरी अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को संदेश देता हूं कि वो जो POK पाकिस्तान अधिकृत हमारा कश्मीर है, मोदी जी कुछ ही दिनों में उसको छुड़ाएंगे। हमारा पहला, हमारी सरकार का यही लक्ष्य है और हम आज भी अपने समाज को, हम साधु सन्यासी संत किसी पार्टी से, किसी विशेष से कोई अपना संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है संतों को एक सम्मान मिला है, हमारे मंदिरों को एक सम्मान मिला है, हमारे धर्म को सुरक्षा मिली है। भगवान कृष्ण ने कहा है धर्मो रक्षित रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और धर्मो हंति हंतियता, अगर धर्म की कोई हानि करता है तो समझ लेना कि आप भी ज़्यादा देर बचने वाले नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, आज देखिए योगी जी की रैली हुई, संतों को एक सम्मानजनक दृष्टि से मंच पर बिठाया गया, आज से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले संतों को कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता था। मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बुजुर्गों मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि कितना लाभ आपको सरकारी योजना का हुआ है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, और क्या आप मानते हैं वाकई में बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ और आगे और बदलाव होगा? होगा जी, बदलाव होगा जी, जम्मू कश्मीर में होगा ही बदलाव। CM बनेगा डोगरा जी। जी हाँ जी, तो खुलकर करिए आप बात, सबको पता चलना चाहिए कि आप बात क्या रखना चाहते हैं। आम बात तो पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़कर बात नहीं करूँगा मैं, एक आम जनमानस के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। बुजुर्गों को 60 साल के पहले, 60 साल के बाद मतलब पेंशन मिली है, और भी बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि CM जो वो जम्मू का हो? हाँ, जम्मू का डोगरा होना चाहिए CM। जो योजनाएं चलाई हैं उसका भी लाभ आपको मिला है? हाँ, मिला है। खुलकर बताएं जरा। मिला है जी। मिला है। हाँ जी बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई, जैसे रंजीव जी ने पहले भी बात की है, तो मैं इन महिलाओं को कहूँगा कि आप शर्माएं ना, आप आगे आए, अपनी बात रखें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हुई है और महिलाओं को एक सम्मान मिला है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा महिलाओं को क्या वाकई में सम्मान मिला है, एक 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 एक, एक, एक अच्छे लेवल पर पहुँच रही महिला नजर आ रही है? हाँ हाँ तो रही है, पर फिर भी थोड़ा अभी है हमारे देश में कि बेटियों की थोड़ी सुरक्षा कम है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ा तो है, पर थोड़ा और भी इसमें होनी चाहिए, मतलब और सुविधा होनी चाहिए, है ना। और तो एक हमारे
नशा मुक्त होना चाहिए और नशा खत्म होना चाहिए, एक उग्रवाद है हमारे देश के लोगों को थोड़ी इस चीज की थोड़ी देखना चाहिए। क्या आप क्या चाहते हैं कि कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का सीएम होना चाहिए? हमारा जो सीएम है आम आदमी की भी सबकी बात सुनने वाला होना चाहिए, कोई भी हो ऐसे कि कहाँ का होना चाहिए? हमारे डोगरा की होना, हाँ जम्मू का ही होना चाहिए। बिल्कुल, आपने इन तमाम महिलाओं को सुना, बुजुर्गों को सुना, यहाँ के जो साधु संत समाज के जो महंत जी हैं उनको भी सुना, तो आखिर में एक संदेश जो वो ज़रूर एक बार फिर से लेना चाहेंगे। तो इन शॉर्ट में मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हम विपक्ष को लेकर भी देख रहे हैं, वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर बात कर रहा है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को लेकर बात कर रही है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं एक आम जनमानस के तौर पर जैसे मैंने कहा, तो क्या उम्मीदें हैं आपको जो भी सरकार आएगी क्या और बदलाव होगा जम्मू कश्मीर? उम्मीदें बहुत पॉजिटिव हैं, जिसका उदाहरण आप भी आज भलीभांति जानते होंगे, आज की खबर है कि जम्मू में राहुल गांधी का जो आना था उन्होंने अपनी ज़मीन खिसकते हुए देखी और उन्होंने अपनी चुनावी रैली जो है वो रद्द कर दी, वो जो है वो यहाँ पर आने में मना कर गए, और कश्मीर में जाने के लिए अगर उनको आधी रात में भी बुलाया जाता है तो वो चले जाते हैं, और वहाँ जाके उनको किसी जनता के प्रति नहीं जाना है, उनको बिरयानी खानी है, उनको अपने मज़े करने हैं, गुलमर्ग में जाना है, होटलों में बड़ी बड़ी बैठना है, तो उसके लिए वो तत्पर हैं, लेकिन जम्मू में आज लोगों के लिए आना था तो वहाँ आने के लिए वो। चलिए, आपने बात छेड़ी दी तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के मंत्री का बयान आया, जैसे महंजी ने भी इसको लेकर काउंटर किया है, तो आप भी क्या कहना चाहते हैं कि एनसी कांग्रेस का जो स्टैंड 370 को लेकर है वही पाकिस्तान का स्टैंड कहा जा रहा है? एनसी का स्टैंड तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, उनका स्टैंड तो हमेशा यही रहा है कि उनसे बात की जाए, उनसे मिला जाए, बजाय इसके कि वो जो पत्थरबाज थे उनसे मिलने की बात करें, उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने बात हमेशा की तो जब भुट्टो की सरकार थी तो उससे की, जब नवाज शरीफ की थी तो उससे की, उन्होंने हमेशा उनकी तरजीह पर उनको वहाँ जाने की बात की है, कश्मीर से वहाँ ट्रेड करने की बात की है, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रेड कभी ना किया जाए जब तक आतंकवाद ख़त्म ना हो, जब तक हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ऊँचाई तक ना पहुंच जाए। सारे यहां पर मौजूद हैं तो मैं एक सुर में आपसे जानना चाहता हूं कि सीएम कहां का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जम्मू का होना चाहिए और डोगरा होना चाहिए। जम्मू का सीएम होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए, तो आपसे भी एक सुर में जानना चाहता हूं कि कहां का सीएम होना चाहिए और कैसा सीएम होना चाहिए? जम्मू का हमारा जम्मू का सीएम डोगरा होना चाहिए, और डोगरों को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एकजुट हो जाओ, किसी भी भरगलाने वाली कंपनियां जो आ रही हैं, रोज नए नए आ रहे हैं, इनसे एक बार सशक्त होकर अपने डोगरा सीएम को एक बार सशक्त होकर पूरी सरकार को लाइए, फिर देखिए मोदी सरकार क्या करती है, है ना, फिर देखिए मोदी सरकार क्या करती है। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि ये जो बहकाने वाले बहकावे जो दे रहे हैं कि हम जी तालाब बना देंगे, हम जी सड़क बना देंगे, हम जी नदी बना देंगे, हम नालियां, ये तो पहले मोदी सरकार बना रही है, कौन सा काम कर रही है मोदी सरकार, क्या नहीं किया मोदी सरकार ने? एक मिनट, मैं कहूंगा क्या नहीं किया मोदी सरकार ने? डिफेंस मजबूत हुआ, बॉर्डर मजबूत हुआ, सड़कें बन रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी उन्नति कब से रुकी हुई थी बन रहे हैं, कोई भी प्रगति में कोई ऐसी चीज है जो कि कमी नहीं है, लेकिन अब इस बार इस उन्नति से बढ़कर ये चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत बड़ी अहम भूमिका है अपने आप को सशक्तिकरण और अपनी आप की शक्ति को दिखाना। चलिए, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय। चलिए, तो ये जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, जिसमें महंत मोहन गिरी जी भी मौजूद हैं जो कि जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पर भी लोगों का कहना है कि बदलाव काफी बड़े स्तर पर हुआ है जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद। इसी के साथ साथ बड़ी मांग ये यहाँ से भी उठ रही है कि सीएम हिंदू होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए, जम्मू का सीएम होना चाहिए, और उसी के साथ साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी जवाब दिया गया जो चीजें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं और कौन असेंबली में पहुंचता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर यही बात उठ रही है कि डोगरा सीएम होना चाहिए, यहां हिंदू सीएम होना चाहिए, और बदलाव एक बड़े लेवल पर हुआ है, यही हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथी रंजीव जी और मुझे इजाज़त दीजिए, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से हमने आपको मिलाया, अब किसी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहाँ के भी लोगों की राय जानेंगे, वहाँ का मत जानेंगे कि 10 साल के बाद ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं क्या उम्मीदें हैं, क्या बदलाव यहाँ पर हुआ है, और क्या कुछ आप आने वाले दिनों में यहाँ पर सिनेरियो देखना चाहते हैं, कैसा सीएम होना चाहिए, कहाँ का सीएम होना चाहिए, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने की कोशिश करेंगे।
मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है, अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।